नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। गांव में कितना हुआ विकास, जनता को क्या थी आस, ये कार्यक्रम हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है कुर्ची ग्राम, बागसुमा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। मैंने आपको दिखाया भी था कि बागसुमा ग्राम पंचायत में जन सलाव आया था जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, यानी शिकायतें थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे कि समाधान करें, लेकिन शिकायतें ही इतनी है कि वो कितना कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। अभी जहां मैं खड़ा हूं, गांव में कितना हुआ विकास, ये है विकास का धरातल। ये आप देख लीजिए, ये मुख्य सड़क है जैसा ये लोग बता रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 2 GT रोड से निकलती है और वहां से कुर्ची ग्राम जाने का मुख्य मार्ग यही है, ये लोग बता रहे हैं। लगातार जनप्रतिनिधि से ये लोग निवेदन करते रहे कि इस सड़क का कुछ ना कुछ तो किया जाए ताकि लोग को चलने के लायक सुविधा मिले, लेकिन हुआ क्या ये देख लीजिए कि अभी ये लोग अपने खर्च पर JCB मंगवा कर इसे समतल किए हैं और चलने के लायक बनाए हैं। अब इससे ही आप समझ लीजिए कि गाँव में विकास कितना हुआ है। ये पिछले पांच साल का बात करूं तो दो दो मुखिया यहां हुआ है। एक मुखिया के देहांत हो जाने पर दूसरी मुखिया चुनी गई, ये लोग उनसे निवेदन करते रहे, लेकिन आज तक चलने के लिए इन लोग को सड़क नसीब नहीं हुआ है। शौचालय की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, स्वच्छ कितना रहा है ये आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि लोगों की शिकायतें ये बताती रही हैं कि स्थिति क्या है। अभी ग्रामीण हैं हम, जानते हैं कि आखिर इन लोगों ने ये कदम क्यों उठाया कि स्वयं JCB मंगवाकर रोड का समतलीकरण किए हैं। पहले परिचय दीजिए आप। मैं दुलाल कुमकार, बागसुमा निवासी। क्या आखिर ये आप जो स्वयं अपने खर्च पर मंगाए, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मुखिया हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, विधायक हैं, सभी आते जब हैं वोट लेने के लिए तो ये कहते हैं कि हम आपके गांव का विकास करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये विकास देखिए, ये मुख्य मार्ग है आपका, नेशनल हाईवे से माता रानी सिंह होम होके ही घुसता है, ठीक है। ये इस पर ध्यान ना आपका जिला परिषद का है, ना ही मुखिया जी का है, ना ही आपका पंचायत सचिव का है, कोई आज तक इस पर पीछे तरफ ध्यान दिए ही नहीं। मैन इन लोग का फुर्सत मिले इंदिरा आवास कमीशन पे, या फिर आपका शौचालय कमीशन पे, या फिर आपका कहाँ गार्डवेल बन रहा है ये सब कमीशन पे, तभी तो ये लोग ध्यान देगा ना। ये लोग तो आज तक ध्यान इस पर दिया ही नहीं कि आदमी आखिर चल कहाँ रहा है और बस कहाँ रहा है। बस रहा है जिसके पास पैसा है वो बस रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बस ही जा रहा है। अब तो समय आ गया, पंचायत चुनाव का घोषणा होने वाला है और प्रत्याशी अब आना जाना भी शुरू कर दिए हैं, तो उस समय आप लोग क्या करेंगे ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों के साथ वही करना होगा, सब जन जितना भी जन पर मैं आपका क्या बोलते हैं पब्लिक है गांव का, गरीब दुखी जो भी मनुष्य है वही सब इस सब पे ध्यान दे और वैसा ही उम्मीदवार को चुने जो कि कुछ विकास करे। ना ही हम लोग कोई इलेक्शन में खड़ा होंगे और ना ही हुए हैं, ये सब ये 10 आदमी आके हम लोग को बोला गया कि देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप लोग उन लोग के साथ मिले हुए हैं, आप लोग उन लोग से उठते बैठते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के काम करवा दीजिए। लेकिन हम लोग उन लोग को बोलते बोलते हम लोग थक गए, ना ही आज तक कुछ किया ना कराया। लास्ट में हम और कुर्ची बस्ती का दो चार लड़का था जो इस पर ध्यान दिया, हम लोग अपना आपस में विचार करके अपना पॉकेट से थोड़ा बहुत पैसा लगा के चलिए भाई, ताकि पब्लिक का सुविधा हो, गांववासी का दिक्कत ना हो, हम लोग अपना JCB मंगा के ये सब काम करवाएं। अभी क्या मांग रखना चाहेंगे आप, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या उपायुक्त हैं, इन लोगों मांग हम लोग को यही रखना है कि पंचायत है, पंचायत विकास के लिए कुछ देखे और गंभीरता से देखा जाए। ये सब नहीं कि इलेक्शन आए तब तड़ाहुड़ी, हाँ सब कुछ अभी तो कैंप से लेके बहुत कुछ लग रहा है, आपका जो वृद्धा पेंशन नहीं हुआ वो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बाद आप देखिएगा इसके बाद क्या होता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने दे गया। एक चीज है कि जहाँ कमीशन मिलता है
वहाँ लोग जाते हैं, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। और ये देखने वाले भी बात है कि जल मीनार वैसे जगह में बनाया जाता है जहाँ जल की कमी लोगों को नहीं है, लेकिन जहाँ कम खर्च में बनाया जाए लोग वहाँ जाकर ही जल मीनार बनाते हैं। अब सड़क की अगर हम बात करें तो स्थिति क्या है ये आप देख लीजिए। अगर ये गांव का मुख्य मार्ग है, देखिए लोग आ जा भी रहे हैं, यानी कहना यह गलत नहीं होगा कि यहाँ से लोग गुजरते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है ये आप देख सकते हैं। और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अभी तक ये लंबे समय से है, ये रास्ता कहीं निजी से होकर नहीं जाता है, ये सभी बातें भी हमें इस विषय पर समझना पड़ेगा। ये जो रास्ता है, आप गांव वाले हैं, ये रास्ता निजी है या आपका जो पेपर है जिसको आप नक्शा कहते हैं उसमें है ये दर्शाया हुआ? नक्शा पर है, तो ये कुर्ची बस्ती का मैंने मुख्य मार्ग है और ये NH2 में आपका मिला हुआ भी है। तो अभी तक जैसे आप गांव वाले आज निर्णय लिए कि चलिए हम लोग इसका समतल करेंगे, तो ये आप लोग मिलकर कभी जनप्रतिनिधि को बोले नहीं इस विषय पर? बहुत बार बोला गया है, तो बोलने मैंने बोलने वाले कोई बात ही नहीं। हम लोग बाइक लेके जाते हैं आते हैं, कई बार मैंने गड्ढा के कारण कई बार गिरे भी हैं। नाम बताइए आप। मंटू विश्वकर्मा, कुर्ची निवासी। मैंने आपको ये कहा था कि सरकार चाहे किसी की हो, मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि सरकार आती है और जाती है और विधिवत अपना काम कर जाती है। जब तक यहाँ के ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट सही नहीं जाएगा तब तक सरकार क्या करेगी, चाहे वो BJP का हो, JMM का हो, कांग्रेस का हो। मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि सही तरीके से काम नहीं किए हैं। साफ तौर पे इन लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि, अब उसको आप समझ सकते हैं कौन कौन है, ये सभी उसी जगह पर जाते हैं जहां उनको कमीशन मिले, जहां से लाभ हो। चूंकि यहां इसकी संभावना नहीं है इसलिए आज तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान रखें कि फिर चुनाव है और यही राजा हैं, यही चुनाव करेंगे, फिर आप अगले 5 साल के लिए सोच सकते हैं कि आपका विकास कैसे होगा, क्योंकि अभी तक आपने गांव का तो विकास किया नहीं, अपने विकास के बारे में इलेक्शन में जरूर चिंता करेंगे। दूसरे जगह भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि गांव में कितना हुआ है विकास और जनता की क्या रही है आस। अभी के लिए हमें अनुमति, नमस्कार।